हाँ जी मैम, आप कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली, तो कैसा लगा ये दूध पथरी? बहुत खूबसूरत है। तो आपका कितने दिन का टूर था यहाँ? सिक्स डेज का। तो जब आप कश्मीर आए तो लोग कहते हैं कि कश्मीर में हालात खराब है जी, जैसे कि यहाँ पे टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, तो आपने अपने टूर में ऐसा कुछ देखा यहाँ? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मैं आती हूँ पिछले 13-14 साल से। तो लोग कैसे हैं यहाँ पे? लोग यहाँ के बहुत बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ मोहब्बत और अपनापन है, बहुत ज्यादा। शायद दिल्ली में भी नहीं है इतना अच्छा जितना यहाँ पर है। तो आप अगर मान लीजिए आप वापस जा रहे हैं, तो आप अपने देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं मैसेज दूंगी कि इन लोगों को छोड़ो खुला आजाद, न ये पाकिस्तान में रहना चाहिए और न ही इंडिया में, इनको रहना चाहिए आजाद। तो मुझे बताइए, आप देशवासियों को सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ कश्मीर आएं? हाँ, मैं करती हूँ ना, मैं तो लेकर भी आती हूँ। अभी मैं अपने साथ भी गेस्ट लाई हूँ अपनी भाभी को। मैं आती हूँ यहाँ साल में कम से कम 2-3 बार अपने भाई के घर। मेरे भाई यहीं पर बने हुए हैं, मेरे भाई वो सगे नहीं है लेकिन मुझे सगों से भी बहुत ज्यादा प्यार देते हैं वो। आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे कश्मीर? हम आए 5 लोग जी। तो आपका स्टे गुलमर्ग में भी रहा? लेकिन एक और स्पेशल बात है इसमें, हम दोनों सिर्फ आई हैं लेडीज। अगर हमें डर लगता तो हम लेकर आते ना जेंट्स को भी साथ में। हम सिर्फ ओनली 2 लेडीज आए हैं और 3 हमारे साथ चाइल्ड भी हैं। एज कम्पेयर टू दिल्ली, कश्मीर इज सेफ फॉर सोलो ट्रेवलर्स। अगर कोई लड़की या कोई औरत अकेली आएगी यहाँ पे कश्मीर, तो मुझे बताइए कि उनके लिए आप अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं अच्छा मैसेज देना चाहूंगी, यहाँ कोई किसी तरह का कोई डर नहीं है किसी।